एक बंदे ने कहा कि मुझे धांधली कराई गई, मुझे फॉर्म 45 चेंज कराया गया, उस बयान के बाद वो गायब है। और एक अजीब मजाक शुरू है इस कौम के साथ, ये कहा जा रहा है कि जी वो दिमागी मरीज है। 2 महीने पहले आपका चीफ मिनिस्टर वहां का, आपके बड़े बड़े लोग उसके बेटे या बेटी की शादी में पहुंचे हुए हैं। दिमागी मरीज के बेटे और बेटी की शादियों पे आप घूमते हैं? या एक दिमागी मरीज को आपने पिंडी जैसे इतनी इंपॉर्टेंट जगह पे कमिश्नर बना के रखा हुआ है? ये आपकी परफॉर्मेंस थी? ये आपकी टेरिफ गवर्नमेंट थी जो आपने बनाई थी? पीटीआई का तो वर्कर फेसबुक पे पोस्ट करता था, आप उसे पकड़ लेते थे, इतनी तेजी आप दिखा रहे थे। जितना जोर पीटीआई के खिलाफ लगाया गया है, खुदा की कसम अगर इसे 5% जोर भी इस कौम के लिए लगा लिया गया तो नहीं इस कौम में दहशत गर्द बचेगा, कोई हमारे मुल्क में नमन शाह फिरोज बचेगा, न जेब कुतरा बचेगा। लेकिन उनके लिए कुछ नहीं हो रहा। पीटीआई छोड़ दो, आओ।